नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। आज लखनऊ के इकोना स्टेडियम में अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच में दूसरा वनडे मैच खेला गया। इस वनडे मैच में वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को 47 रनों से हरा दिया और इसी के साथ वेस्टइंडीज ने श्रृंखला अपने नाम कर ली। आपको बताएं, इस मैच में बल्लेबाजों के साथ साथ वेस्टइंडीज के बॉलरों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बाद अब ये अगली जो मैच होने वाला है यानी तीसरा वनडे जो होने वाला है वो महज औपचारिकता रह गई है। हालांकि अफगानिस्तान ने अपना अभ्यास मैच जीता था लेकिन उसके बाद उसे दोनों वनडे मैचों में असफलता हाथ लगी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं समर्थ, हम इनसे जानेंगे कि आखिर मैच में क्या क्या रुख आए, किस तरह के मोड़ आए और किस तरह से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने बैटिंग की और किस तरह से बॉलिंग की, पूरी बात हम बात करेंगे समर्थ के साथ। समर्थ, किस तरह का ये पूरा मैच रहा? तो वेस्टइंडीज ने 3 मैच की ओडीआई सीरीज को अपने नाम कर लिया है 2-0 के साथ, क्योंकि अब आखिरी मैच जो है वो बस एक औपचारिकता रह गई है। क्योंकि अगर वो मंडे को जो मैच होना है थर्ड ओडीआई, हार जीत अगर वेस्टइंडीज को मिलती है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 2-0 से सीरीज ऑलरेडी जीत चुका है। कहें अगर आज के मैच की बात करी जाए तो फिर अफगानिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार थी, क्योंकि रहमत अच्छे खासे खेल रहे थे 30 रन के ऊपर, रनआउट हुए। उसके बाद कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं रहा। नजीबुल्ला ने हालांकि एक हाफ सेंचुरी जड़ी, उनका साथ दिया। नायब ने जो 30 के ऊपर रन ले गए, पर कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं रहा जो एक साइड से टिका रहे, क्योंकि ये स्कोर ऐसा था कि किसी एक बल्लेबाज का टिका रहना बहुत ज़रूरी था। हालांकि नबी और नजीबुल्ला की साझेदारी बहुत ही अहम थी और इससे मैं लग रहा था शायद अफगानिस्तान इस वेस्टइंडीज़ के टारगेट को चेस कर लेगी, पर कहीं अगर राशिद खान जो कप्तान है अफगानिस्तान के, वो थोड़ा सा संयम दिखाते और वो खेलते, अपने विक शॉट्स दिखाते कि जो काबिलियत उनके अंदर है वो उसका शोकेस करते, तो शायद अफगानिस्तान आज जीत गया होता। पर अफगानिस्तान को आज हार का सामना करना पड़ा है और इसी के साथ लगातार हारों का सिलसिला ओडियाइज में अफगानिस्तान के लिए जारी है। तो अफगानिस्तान के लिए सीरीज अगर कहा जाए तो एक बुरा सपने की तरह रहेगी, क्योंकि उन्होंने अभ्यास मैच के खिलाफ, लेकिन वनडे जब शुरू हुआ तो पहला भी हारे और दूसरा आज फिर 47 रन से उनको हार का सामना करना पड़ा। अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग के हर परफॉर्मेंस में ऐसा कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान अच्छा साबित होगा, लेकिन आज वेस्टइंडीज के किन बॉलरों की अगर बात की जाए जिन्होंने मैच झोली में डाला है वेस्टइंडीज के? अनडाउटेडली शेल्डन कॉटरेल को क्रेडिट जाता है जिन्होंने 3 विकेट लिए हैं। 10 ओवर में मात्र 30 रन अराउंड उन्होंने दिए और शेल्डन कॉटरेल ने 3 विकेट लिए। उसके अलावा होल्डर जो कि वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान थे, उन्होंने भी 3 विकेट चटकाए, तो वहीं वेल्स ने भी 2 विकेट लिए। बट सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं कहूँगा होल्डर को जाता है और कॉटरेल को जाता है। कॉटरेल का अंदाज ही कुछ ऐसा कि सामने खड़ा हुआ वो बल्लेबाज है, एक डर हो जाता है। कॉटरेल ने अपनी इमेज इस तरह की बना ली है, वो भले उनका सेलिब्रेटरी जिस तरह से वो मार्च करते हुए सेलिब्रेट करते हैं विकेट लेने के बाद, वो हो या उनकी लाइन एंड लेंथ हो, कॉटरेल इस समय अपने बेस्ट टाइम में चल रहे हैं, उनसे वो बहुत ही खतरनाक पेसर हैं अगर ओडीआई क्रिकेट की बात की जाए। तो वेस्टइंडीज ने ये मैच 47 रनों से जीत लिया और खासकर उनके बॉलरों ने जो अहम योगदान दिया है उससे वेस्टइंडीज को जीत मिली है। और अब देखना होगा कि अब जो तीसरा वनडे होने वाला है यानी एक दिन बाद मंडे को वो होगा और उसमें कौन जीतेगा। हालांकि वो मैच पूरी तरह से औपचारिकता है और वनडे की ये सीरीज वेस्टइंडीज ने जीत ली है। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आज की खबर।